हाँ जी। शेरीमान का गाना है यनकने। ये क्या हुआ? मैंने तो ये लव्स पहली दफा सुना है बारह। छनकने सुना हुआ है, हाँ तो छुन ये छुने सुना हुआ है, इसकी नहीं चुन फरमाइश है। छुनझुने नहीं होता, झुनझुने होता हाँ है। हाँ तो यनकने चेक करते हैं जी, देखते हैं। अगर तो गाने में ना पता चला तो फिर ये लोग बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। शेरीमान शेरीमान। का गाना है जी। अच्छा लिखा ये हुआ है कि लिखा भी उन्होंने नहीं है और गाया भी उन्होंने नहीं है। रिटर्न टू पंजाब जी, अच्छा। कितों आए कूमा दिल पीटे दी असी लुटर कुत्ते कुट देसी अज मिली इंग्लैंड गई जेड़ी मिली पहला फेसबुक ते सी कूमा दिल पीटे दी असी लुटर कुत्ते कुट देसी अज मिली इंग्लैंड गई जेड़ी मिली पहला फेसबुक ते सी पावे बन सटार गए पावे बन सटार गए की कहने रब दिया दातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे। ओडे मिणके पींदे ने दारू 30 ml कह के असी तीन पैग कर लईए अदिया ठेके उत्तों लैके बस ओदो पीने आ जदों होइए थके नी दिन रातां दे सुना दो एक बारी पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे यंकने नी पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे। साथी पिकनिक हो जांदी जदों सी गुड्डदे खेत कपाह बैठ सीरी पाली नाल पीतियां मिठा पाके चाह जिथे यारी लग जावे फिर की रौले जातां पातां दे पर फर्क बड़े गाँव का पूरा कल्चर अपने घर ले आया। वो उसको भी प्यारा मन पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने यंकने नी तेरे मेरे हालातां दे पर फर्क बड़े ने पुरजा ओए तेरे मेरे हालातां दे। उधर की होके रह गई है। गाँव गाना की तो बहुत अच्छा था लेकिन जबरदस्त। मतलब नहीं समझ आया कि हाँ यंक ने। फिर मुझे वही लगता है कि वो उसी तरह से होगा कोई, जैसे वो हमें पता चला था कि वो रकान रकान का बताया ने, था। है हाँ ना, और इनका और कौन कौन से लफ्ज थे काफी मुझे सारे नहीं लफ्ज पता हमें था इन्हीं के पता चले। नहीं तिंद्रा का नहीं पता था हमें। वो तो लड़कों के लिए है ना, हाँ लेकिन ये लड़की को ये रकान। रकान था हाँ और भी एक दो लफ्ज थे जो इनके, जो अलड़े हाँ है ना, मैं अब ये नहीं पता चला कि या क्या था यंक ने, जिनके यन यन के हाँ यन, मैं पता नहीं क्या, मुझे तो ये भी नहीं कहा, कहना भी नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत खूबसूरत गाना शरीमान का लेकिन और अब हमें आपने बहुत ये अच्छा लगा बताना जरूर और है। इस हाँ लफ्ज का मतलब भी पता लगा। तो शरीमान के वैसे भी हमेशा ही गाने अच्छे होते हैं, ये भी बहुत मजेदार गाना। बाकी बताएं फिर कैसी लगी आपको वीडियो, साथ में ये भी बताएं कि कैसे ये क्या था मतलब इसका, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।